तो गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर टेक्नो की तरफ से लॉन्च हुआ टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G वाला स्मार्टफोन। और आज मैं स्पेशली टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G वाले स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ इन्फिनिक्स GT 10 प्रो एंड इन्फिनिक्स नोट 30 5G के साथ में। जिससे कि अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को अगर आप परचेस करना चाहते हो, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हो फीचर्स को लेकर कि तीनों स्मार्टफोन में फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, तो एंड तक आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप यह देखते हैं, ये जो टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G, ये मेरे पास है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है 15,000 रुपए है। बॉक्स के बैक साइड में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया। 5000 mAh की बैटरी, 68W का चार्जर आता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, 6080 5G वाला प्रोसेसर, 120Hz का रिफ्रेश रेट आता है और यहाँ पर फुल HD प्लस 50MP का AI ट्रिपल कैमरा है। 8GB यानी कि अगर आप ये जो स्मार्ट 8GB रैम 128GB स्टोरेज है जो कि 15,000 के साथ में आता है। उसके बाद ये सेकंड वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो, ये जो स्मार्टफोन है 20,000 रुपीज का स्मार्टफोन है, एक ही वेरिएंट में मिलता है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में। बॉक्स के बैक साइड में पर्स का पूरा डिटेल मेंशन है। मीडियाटेक का प्रोसेसर है 8050। उसके बाद ये एक गेमिंग स्मार्टफोन 6nm प्रोसेसर के साथ में आता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आता है, 6.67 इंच का डिस्प्ले आता है, एमोलेड डिस्प्ले आता है इसमें, 108MP का ट्रिपल कैमरा आता है। उसके बाद आपको इसमें 8 ये जो रैम है 8GB रैम और 8GB आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है। 5000 mAh की बैटरी, 45W का चार्जर आता है, एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है और इसमें आपको बैक साइड में LED लाइट्स मिलता है। देन इसके बाद ये थर्ड वाला स्मार्टफोन है, ये भी स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का नोट 30 5G वाला स्मार्टफोन जो कि 15,000 रुपये का स्मार्टफोन है। ये जो स्मार्टफोन है मेरे पास 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। 15,000 रुपये का स्मार्टफोन है, 45W का चार्जर आता है, 5000 mAh की बैटरी आती है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 6080 का 5G वाला प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 13 डबल स्पीकर के साथ में आता है, 108MP का ट्रिपल कैमरा आता है। ये मेरे पास है 4GB रैम वाला वेरिएंट, इसमें 4GB वर्चुअल रैम का यूज कर सकते हैं और ये डुअल 5G के साथ में आता है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं यहाँ पर टेक्नो पोवा 5 प्रो को। तो जैसे आप स्मार्टफोन को ओपन करते हो, यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है सिल्वर कलर है, दो कलर में मिलता है, ब्लैक कलर और सिल्वर कलर। तो मैंने सिल्वर कलर मेरे पास है। एंड उसके बाद इसके बॉक्स में आता है एक सिलिकॉन बैक केस जिसका क्वालिटी आपको पूरी तरीके से डिसेंट मिलेगा, इतना खास नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पर है एक यूजर मैनुअल्स, 12 मंथ का वारंटी कार्ड आता है एंड इसके साथ में आता है एक 68W का चार्जर जिससे अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो ये आपका 50 मिनट्स में 45 to 50 मिनट्स में पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर मिलता है एक टाइप सी केबल। तो ये है सेकंड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो। और इन्फिनिक्स GT 10 प्रो का गाइस बॉक्स आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में देखने को मिलता है। ये पूरी तरीके से बॉक्स को ऐसा डिजाइन किया गया कि ये पूरा शो करता है कि पूरा का पूरा गेमिंग स्मार्टफोन है। केसेस भी अगर आप देखो, एंड उसके बाद है ये हमारा मेन स्मार्टफोन जो कि है इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो। ये भी मेरे पास सिल्वर कलर वाला है जो मैंने परचेस किया है। एंड उसके बाद इसके अंदर आता है एक सिम टूल किट, इसके बाद 45W का चार्जर आता है एंड यहाँ पर आता है ये एक टाइप सी केबल। इन्फिनिक्स का एक ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक यूनिक टाइप का डिज़ाइन मिलता है और एक यूनिक कलर का ऑरेंज कलर का आपको केबल मिलता है जिसमें आपको एल शेप में आता है ये। उसके बाद अगर आप ये इसको ओपन करो तो ये भी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्टिकर देखने को मिला है मुझे। मैंने तो नॉर्मली केसेस में एक्स क्लब का एक कार्ड आता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक यूजर मैनुअल्स एंड देन यहाँ पर मिलता है ये एक सिलिकॉन बैक केस जिसका क्वालिटी आपको गाइस डिसेंट मिल जाता है। देन यहाँ पर एक टेम्पर्ड ग्लास, ये भी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है टेम्पर्ड ग्लास। एंड देन इसके बाद इसमें आता है एक वाइपिंग पेपर जिससे आप इस टेम्पर्ड ग्लास को साफ कर सकते हो। तो ये है लास्ट वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का नोट 35G वाला स्मार्टफोन। यहाँ पर आप जैसे बॉक्स को ओपन करते हो यहाँ पर मिलता है ब्लू कलर का स्मार्टफोन हमारा। एंड देन इसके बाद इसमें भी आता है एक 45W का चार्जर जिससे अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो ये आपका 50 to 55 मिनट्स लेता है पूरा 100% चार्ज होने के लिए। टाइप सी केबल आता है। एंड देन इसके बाद इसमें भी अगर आप इन्फिनिक्स का नोट 35G वाला स्मार्टफोन लेते हो तो यहाँ पर मुझे इसका जो बैक केस है जो इस मोबाइल के साथ में आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बैक केस मिलता है जो कि पूरा का पूरा हार्ड केस आता है। एंड देन इसके बाद इसमें भी आपको मिलता है एक टेम्पर्ड ग्लास। अगर आप नोट 35G लेते हो तो इसमें भी एक टेम्पर्ड ग्लास आता है, उसके साथ में एक वाइपिंग पेपर आता है जिससे आप इसे साफ कर सकते हो। एंड उसके बाद यूजर मैनुअल्स इसके अंदर मिलता है। तो इतनी सारी चीजें जो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर सिम टूल किट मिलता है इसके अंदर। तो ये है हमारे तीनों स्मार्टफोन पोवा 5 प्रो, GT 10 प्रो एंड नोट 35G। पहली बात गाइस, तीनों स्मार्टफोन प्रो मॉडल्स है और यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन जो है 5G 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्नो का पोवा 5 प्रो और जिसका कलर आपको काफी यूनिक, टेक्नो पोवा 5 प्रो का जो लुक है ऐसा देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है इन्फिनिक्स GT 10 प्रो, इसका भी लुक काफी ज़रा इंप्रेसिव है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 35G का लुक। तो ये हमारे तीनों स्मार्टफोन के एक्जैक्टली लुक। तो सबसे पहले टेक्नो पोवा 5 प्रो को चेकआउट करते हैं। यहाँ पर राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है, पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्पीकर्स नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों साइड्स में स्पीकर मिलता है, चार्जिंग पोर्ट हेडफोन जैक, लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर आप इजिली दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इस टेक्नो पोवा 5 प्रो में यूज़ कर सकते हो। फ्रंट में आता है 16MP यानी कि 16MP का कैमरा फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो पूरा ग्लॉसी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जिस तरीके से आईफोन में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो, यहाँ पर भी वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन पावर बटन के ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर स्पीकर
नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ दोनों साइड में स्पीकर है। चार्जिंग पोर्ट हेडफोन जैक नीचे की तरफ है और यहाँ पर भी सिम स्लॉट्स है जिसमें आप इसके अंदर भी इजिली दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर यूज़ कर सकते हो GT10 Pro में। इसके बाद बारी यहाँ पे इन्फिनिक्स का नोट 35G, यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन पावर बटन का ऑप्शन है। स्पीकर्स नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों साइड से स्पीकर है, चार्जिंग पोर्ट हेडफोन जैक भी है। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में इसमें भी सिम स्लॉट जिसके अंदर, और इसमें भी आप गाइस इजिली दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को इसके अंदर इजिली यूज़ कर सकते हो। तो लुक्स के बारे में अगर कहें तो यहाँ पे टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड इन्फिनिक्स GT10 Pro का लुक आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। इन्फिनिक्स नोट 35G का लुक आपको इतना भी ज़्यादा दिखेगा नहीं, सिंपल सा प्लेन साइज का इसका लुक है। तो तीनों स्मार्टफोन का सेटअप प्रोसेस करने के बाद स्मार्टफोन के जो लुक्स है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखो टेक्नो का पोवा 5 प्रो वाले का लुक, और गाइस ट्रस्ट में मुझे टेक्नो के पोवा सीरीज का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप टेक्नो में जो इस बार जो UI यूज़ किया गया बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एकदम अलग लेवल का UI यहाँ यूज़ किया गया, वरना मोस्टली केसेस में टेक्नो के जो UIs है वो अलग थे अभी, लेकिन पोवा 5 में आपको UI बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिल रहा है, स्पेशली पोवा 5, पोवा 5 प्रो में। उसके बाद अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन में जाओगे, माई फोन्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इसके पूरे फीचर्स हैं। एंड्रॉइड 13 आता है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा, यहाँ पर 8GB का रैम है, 8GB आपको एक्सपेंडेबल है। इसके बाद मीडियाटेक का प्रोसेसर 6080, 50MP का कैमरा, 128GB का स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है। देन इसके बाद यहाँ पर ये इन्फिनिक्स का GT10 Pro, इसमें भी आपको जो UI है गाइस वो आपको सिमिलर मिलता है जिस तरीके से इन्फिनिक्स 020 में और इन्फिनिक्स नोट 35G, दोनों स्मार्टफोन में आपको UI जो है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप इसमें जाएंगे इन्फिनिक्स GT10 Pro के स्पेसिफिकेशन में, तो इसके पूरे फीचर्स यहाँ पे मेंशन है। एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, 8050 का प्रोसेसर, 32MP का सेल्फी कैमरा है, 108MP का ट्रिपल कैमरा है, 8GB का रैम है, 8GB एक्सपेंडेबल है, 256GB का स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है। उसके बाद यहाँ पर है ये इन्फिनिक्स का नोट 35G, एंड इसके भी स्पेसिफिकेशन में एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। फ्रंट में 16MP कैमरा, रियर में 108MP कैमरा, 4GB रैम, 4GB एक्सपेंडेबल है, 128GB का स्टोरेज है और 5000mAh की बैटरी। इसमें आपको 8GB एक्सपेंडेबल नहीं मिलता है, 4GB एक्सपेंडेबल के साथ में आता है। तो कैमरा के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स GT10 Pro एंड इन्फिनिक्स नोट 35G दोनों में आपको 108MP 108MP का कैमरा मिलता है, जबकि यहाँ पर टेक्नो पोवा 5 प्रो में 50MP का कैमरा आता है। और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो दोनों स्मार्टफोन को, नोट 35G एंड टेक्नो पोवा 5 प्रो, दोनों स्मार्टफोन 15,000 का है। इसमें दोनों स्मार्टफोन को आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें 50MP कैमरा है तो इसमें 108MP का कैमरा आता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे फीचर्स है जो आपको दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर देखने को मिले। तो बारी है तीनों स्मार्टफोन के कैमरा फीचर सेटिंग्स को चेकआउट करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्नो पोवा 5 प्रो का चेकआउट करते हैं। यहाँ पर अगर आप इसमें जाओगे इसके कैमरा सेटिंग्स में, टेक्नो पोवा 5 प्रो में सिनेमैटिक वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो में अगर आप जाओगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 2K 30fps तक का सपोर्ट मिलता है, AI कैमरा, ब्यूटी पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, और उसके बाद इसमें आप स्लो मोशन वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, स्काई शॉप, ड्यूअल वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे मेन शॉर्ट वीडियोस एंड स्लो मोशन वीडियोस प्रो मोड भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद यहां पर है GT10 Pro का, GT10 Pro में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो में अगर आप जाओगे तो इसमें आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर आप सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करोगे, फ्रंट वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन बैक कैमरा का यूज करके वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो 4K वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। AI कैमरा, ब्यूटी पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, एंड उसके बाद इसमें आपको कैमरास में ज्यादा फीचर सेटिंग्स मिलते हैं कंपेयर टू नोट 35G एंड टेक्नो पोवा 5 प्रो के कंपैरिजन में। स्लो मोशन, ड्यूअल वीडियो और इसमें स्काई शॉप, सुपर मैक्रो टाइम स्लैप एक्सेट्रा फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद है भी नोट 35G को चेकआउट करने के, इसमें भी आपको सिनेमैटिक वीडियो, यानी कि तीनों स्मार्टफोन में सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो में अगर आप जाओगे तो 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। AI कैमरा, ब्यूटी पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, एंड उसके बाद इसमें भी आप स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, सिनेमैटिक, स्काई शॉप, ड्यूअल वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तभी बात करते हैं BGMI की, अगर आप तीनों स्मार्टफोन में BGMI यानी कि PUBG गेम को अगर आप प्ले करते हो तो इसमें आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले आप चेकआउट करते हैं अगर आप BGMI गेम टेक्नो पोवा 5 प्रो में प्ले करते हो तो इसमें आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्मूथ ग्राफिक अगर आप रखते हो तो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, ग्राफिक अगर आप बैलेंस रखते हो तो अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, ग्राफिक अगर आप HD रखते हो तो अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, अल्ट्रा HD का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप इसमें HD ग्राफिक और हाई फ्रेम रेट पर गेम को प्ले कर सकते हो टेक्नो पोवा 5 प्रो में। अब है यहाँ पर इन्फिनिक्स का GT10 Pro जो कि एक्जैक्टली गेमिंग स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियस बात है इसका ग्राफिक सेटिंग चेक करना बनता है। तो अगर आप इसमें ग्राफिक रखते हो स्मूथ ग्राफिक तो जो फ्रेम रेट है वो आपको 90fps तक का सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑब्वियस बात है काफी ज्यादा बेटर है। स्मूथ ग्राफिक पे आपको 90fps तक का सपोर्ट मिल रहा है, ग्राफिक अगर आप बैलेंस रखते हो तो अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, ग्राफिक अगर आप HDR रखते हो तो भी अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद HDR का सपोर्ट ग्राफिक मिलता है
GT10 Pro में अल्ट्रा HD का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप HDR ग्राफिक पे गेम को प्ले कर सकते हो और 90 FPS फ्रेम रेट पे आप गेम को प्ले कर सकते हो GT10 Pro में। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो Infinix का Note 35G है, Note 35G में भी अगर आप ग्राफिक स्मूथ रखते हो तो अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, ग्राफिक अगर आप बैलेंस रखते हो तो अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, ग्राफिक HD रखते हो तो हाई फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, HDR का सपोर्ट अल्ट्रा HD का सपोर्ट Note 35G में नहीं मिलता, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस का हिसाब का GT10 Pro में ज़्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे इन तीनों स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी टेस्ट आउट करते हैं कि साउंड क्वालिटी किसमें ज़्यादा बेटर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी का जो वीडियो है इन तीनों स्मार्टफोन में प्ले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्ले करते हैं ये टेक्नो का पोवा 5 प्रो, इसमें ऑडियो क्वालिटी ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप 50,000 का बजट, तो आई थिंक i5 वाला कोई मॉडल मिल जाएगा, तो यू कैन गो विद दैट। और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स हैं, यू कैन यू नो बिकॉज लैपटॉप से मोर और लेस चीजें सेम ही होती है, तो मतलब उस रेंज में यू कैन हैव अ लुक कि आपको जो मिलता है प्रेफर करना। अगर यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे टेक्नो पोवा 5 प्रो में जो आपको ऑडियो क्वालिटी है वो नीचे एंड ऊपर दोनों साइड से आपको सिमिलर आ रहा है, बट एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ से 60% ऑडियो क्वालिटी ज्यादा आ रहा है, इसमें 40% ऑडियो क्वालिटी ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे प्ले करते हैं टेक्नो पोवा 5 प्रो में एक NCS का ऑडियो क्वालिटी, सो अब इसमें प्ले करते हैं NCS का। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे गाइस आपको टेक्नो में पोवा 4 के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर मिलता है। अब यहाँ पे प्ले करते हैं Infinix GT10 Pro में और फैंटास्टिक वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी फॉर YouTube, तो यू कैन एंजॉय। जेरिन जानना चाहते हैं व्हाई कांट सिंगल कैमरा स्मार्टफोन्स बी यूज्ड फॉर टेलीफोटो मैक्रो वे, यू नो कंप्लीट फिजिक्स ऑफ द सेटअप वर्क्स, यहीं से पंगा निकल के आता है कि अगर आपको सिंगल यू नो कैमरा। तो यहाँ पे जो नोटिस कर पा रहा हूँ जो Infinix का GT10 Pro है इसमें नीचे के साइड से ऑडियो क्वालिटी ज्यादा आ रहा है, ऊपर से कम आ रहा है, यानी कि नीचे से आपको 70% ऑडियो आता है और ऊपर से 30% का ऑडियो आता है। इसमें भी NCS का प्ले करते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी गाइस इसमें आपको टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड GT10 Pro में ऑडियो क्वालिटी सेम टू सेम मिलेगा। अब बारी है यहाँ पर Infinix का नोट बोलते एक्सक्लूसिव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और जहां तक बात है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को लेके, तो यार लगता है कि ना जहां मिलियंस कस्टमर्स का खराब हो रहा है कंपनीज के गलत एक्शंस की वजह से, आई थिंक वो अगर सुधर जाए ना टेक इंप्रूवमेंट। अब फिर से यहाँ पर टेक्निकल NCS का प्ले करते हैं। तो गाइस जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ तीनों स्मार्टफोन में आपको जो साउंड क्वालिटी है वो सेम टू सेम मिलने वाला है, कोई यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बात करूँ गाइस 4 की वीडियो की, तो मैंने तीनों स्मार्टफोन में 4 की वीडियो को प्ले किया था, तो यहाँ पर अगर दोनों स्पीड जो टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड Infinix Note 35G दोनों स्मार्टफोन में अगर आप 4 की वीडियो प्ले करते हो तो इसमें आपको 2K का सपोर्ट मिलता है, 2K में आप वीडियो को प्ले कर सकते हो, 2K में आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। Infinix GT10 Pro में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में आप वीडियो को प्ले कर सकते हो YouTube की वीडियो को, बिकॉज मैंने तीनों स्मार्टफोन में चेकआउट किया है ऑलरेडी। आई होप आपको पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया कि कौन सा आपको लेना चाहिए। वेल मुझे अगर पिक करना है तो मैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं इस Infinix GT10 Pro को पिक करूंगा, बिकॉज इसमें दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा गेमिंग बेटर, प्रोसेसर बेटर है, गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलेगा, 4K का सपोर्ट मिलेगा। बाकी अगर बात करूँ बिकॉज ये 20,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है तो ये ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की, दोनों स्मार्टफोन 15,000 के स्मार्टफोन है, तो दोनों में से आपको कौन सा लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज कुछ फीचर्स इसमें ज्यादा बेटर है तो कुछ इसमें ज्यादा बेटर है। दोनों में आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, इसमें 68W का चार्जर आता है तो इसमें 45W का चार्जर आता है, तो कुछ इसमें बेटर है तो कुछ इसमें बेटर है, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, तो डिपेंड आपके ऊपर है। बट अगर बात करूँ लुक एंड पिक, लुक डिजाइन की, तो ये काफी ज्यादा बेटर है। मुझे अगर दोनों में से पिक करना होगा तो मैं टेक्नो पोवा 5 प्रो को पिक करूंगा, लेकिन अगर तीनों में से कोई पिक करना होगा तो मैं GT10 Pro को पिक करूंगा। दैट्स इट। तो मैंने तीनों स्मार्टफोन को लेकर और भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए जिससे वीडियो लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।